बेटा आपने खाना खा लिया ना, आप दूर हट जाओ, ठीक है? आप परेशान ना करो, वैसे आप अच्छी बच्ची हो ना, यहाँ बैठ जाओ आराम से। यार लिटरली इतना शैतानी करती है यार, बाहर गैलरी में चली गई सडनली, ऊपर चढ़ गई, हमने जाली लगाई हुई है, पूरा ऊपर चढ़ गई। ओ भाई, मैंने इसका ये हिस्सा मैंने सडनली देखा, जैसे मैं इसको बार बार देख रहा था, जैसे मेरी नज़र बची, मैं बात करने में बिजी हुआ थोड़ा सा, तो क्या हुआ भाई, ऊपर चढ़ गए, मैंने इसका ये हिस्सा पकड़ के यूं पीछे खींच लिया, वरना तो भाई जाती चार मंजिल। बेटा तुम्हारी सेफ्टी है, तुम्हारे को अगर मना करते हैं ना, तुम्हारी सेफ्टी है, ठीक है? बाकी उसके बाद खेलना है खेलो, इतना बड़ा घर है, कहीं भी खेलो, कोई टेंशन नहीं है, कहीं भी खेलो। मासूम तो इतना बनती है जैसे पता नहीं कितना, ये पता है कैमरे के आगे इतना मासूम बनती है जानकर, ताकि किसी को देखकर ये ना लगे कि मैं शैतानी करती हूँ। बेटा तेरी सारी शैतानियाँ दिखाऊंगा मैं, टेंशन ना ले, चल तू यहाँ पे बैठ जा आराम से। झपटती है यार, अच्छा खासा झपटती है, और इतना मासूम बनती है, जब इसको खाना चाहिए होता है ना, मेरे पास आती बड़े प्यार से, मेरे ऊपर चढ़ती है। रहने दे बेटा, इधर इधर आ जा, ले ले चल खेल ले। फाइनली गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। आज हम ब्रेकफास्ट करने बैठ गए और ब्लॉग की शुरुआत कर दी, और ये हमारे पास में यहीं पर बैठी हुई है। फिलहाल टाइम हो रहा 12:30 बजे का, रीज़न ये है कि हम थोड़ा सा लेट उठे, बट लेट सोते तो जाहिर सी बात है, एटलीस्ट मैं 5 से 6 घंटे सोता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कभी सोता ही नहीं, और ना कभी नींद आती। कभी सुकून से सोता हूँ तो भाई वही वाली बात है ना, कि थोड़ा सा काम की टेंशन होती है, सुबह उठकर काम देखना है, अपडेट्स वगैरह शेयर करनी है, तो पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट वो ये यूजुअली जो होता है, इसके अलावा हमारा कोई ब्रेकफास्ट होता नहीं है, मुझे तो भाई यही सब पसंद है, इसके अलावा मैं कुछ करना पसंद करता नहीं हूँ। एक बात बताओ, तुम्हारा जूस आया था वो कहाँ? मैंने तुमसे कहा था पहले जूस निकाल लो। मैं चाय समझ रहा था इसको, नहीं मैं समझ रहा था कि तुम दो चाय लेके आई हो, है ना? लग रहा नहीं लग रहा सेम सेम बिल्कुल, मगर मैंने इतना नोटिस नहीं किया इस बात को। चलो बाय द वे, बस बिल्कुल, क्या फर्क है, क्या फर्क है? चाय जो देखी तुमने, मैं पता है चाय पीती हूँ, तुम पता है मैं चाय नहीं पीती, तो तुम मकबर की चाय लेकर कैसे आऊंगी? तो भाई मैं इस बात, मेरा वहां तक ध्यान नहीं गया, तो मेरा वहां तक ध्यान नहीं गया, इतना बहस मत किया करो, करते हैं सर फोड़ दूंगा दीवार में, इतना बहस नहीं करते। जब लग रही है मुझे वो चाय देखना यार, हाँ मैं कहीं का बहस करती हूँ, हाँ घुसेड़ दो घुसेड़ दो, यही तो करोगी, उल्टा तुम्हारे ना कर इतना मत देखो। तो अब पहले करते हैं ब्रेकफास्ट, थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी होता है, फिर उसके बाद से एक दो काम भी हैं वो भी निपटाने, हालांकि अभी मैं 3 से 4 घंटे तक एटलीस्ट काम करने वाला हूँ, तो पता नहीं ब्लॉग में एक्टिव रह सकूँ या गई उसके नीचे। यार ये बड़ा परेशान करती, कभी टेबल में घुस जाती, कभी चेयर पर बैठ जाती, इसको यही जगह पसंद है क्या? इसके अलावा और जगह इसको पसंद नहीं है? जहाँ हम वही, अगर हम बाहर बैठेंगे तो ये बाहर घूमेगी, अगर हम वहाँ पे बैठेंगे तो ये वहाँ घूमेगी, समझ से बाहर है यार। ब्रेकफास्ट करते हैं, फिटी आ जा बाहर, आ जा चल, आ जा बाहर खेल ले आके, आ जा खाना खाइए तू भी। फिलहाल अब हो गया हमारे लंच करने का टाइम, तो पहले हम करते हैं लंच, फिर उसके बाद से हमें एक दो काम करने हैं वो भी निपटाने ज़रूरी हैं। तो लंच में होने वाला है हमारे पराठे, बटर, साथ में चटनी, और इसमें क्या है, पराठे हैं, और इसमें क्या है, अचार। चलो जी आज हम सब खाएंगे, भूख लग रही है ज़बरदस्त, देखो वो भी खाने के लिए पहुँच गई है यार, इसको भी देता हूँ मैं खाना। फाइनली गाइस टाइम हो रहा है रात को 1:45 बजे का, और सडनली दोपहर से लेकर अभी टाइम क्यों? इसका रीज़न सिर्फ एक था, और वो ये कि हम ऊपर टेरेस पर अपनी टैंक वगैरह साफ़ करवाने में थोड़ा सा बिजी थे, जिसके चलते ब्लॉग में नहीं कर सका, बिकॉज कभी सामान इधर कभी उधर, क्योंकि टैंक बहुत गंदा हो रहा था, लिटरली बहुत ज़्यादा गंदा, तो पानी इधर से उधर डालना तो काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, मगर एटलीस्ट हुआ, हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया, जिसके चलते अब रात हो गई है, मैं नहा धो के प्रॉपरली फ्रेश होकर बैठा हूँ रात का डिनर करने के लिए। हमसे पहले डिनर ये कर चुकी है, मतलब ये तो 4 से 5 बार खाना खाती है दिन में, खिलाते थे हम, खा भाई तुझे कितना खाना है। तो डिनर में होने वाला है हमारा ये क्या है, आलू भुर्ता तायरी, और कहाँ है तायरी, बस यही थी सब खा गई, और मेरे लिए छोड़ी भी नहीं है, ये मेरी है ये खाओ भुर्ता, ना भुर्ता खाओ जरा से, मैं खाऊँगा। चावल कहाँ है, वो कहाँ है चम्मच, यार चम्मच तो लेके बैठा करो, क्या हो गया, मसाला आ गया आँख में, हैं मसाला आ गया आँख में, दिखा तो दो, हाँ हाँ पता है नाटकबाज,
ये खा लो यार, एक दो नहीं मालिक, मैं टेस्ट करूँगा बस, ज़्यादा कुछ मैं टेस्ट करूँगा, मैं ओनली टेस्ट, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब जितनी बची है वो तो मैं खा लूँ, तो पहले खाते हैं हम खाना, मेरी एक दो निवालेगी, मतलब एक दो बाइट की डायरी और साथ में क्या है, भुर्ता। स्वीटी बोलो गुड नाइट, बोलो गुड नाइट, लाओ हाथ दो, हाथ दो, ओए ऐसा बस तुम तो तैयार हो बस खेलने के लिए, तुम्हें खेलने वाला चाहिए है ना, हर टाइम तुम्हारे साथ खेलते रहो खेलते रहो, आजा ले चल ले चल ले, काट ले आज, जैसे ही तूने काटा वैसे ही तुझे मैं यूं ही उछाल दूँ, काट ले आजा। अच्छा क्यूटी था, लेट जा तू, इज्जत से लेटे अच्छी लगती तू, लेट जा आना 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 आना, काट इसके तोड़ आजा चल भैया, ये मुंह ना मारा करो बस, अच्छी नहीं लगती हो तुम, थक गई हो हाथ उठाते उठाते, चलो बस सो जाओ गुड नाइट ठीक है। ये है फिलहाल परेशान, मैं लेटा हूँ गैलरी में कुछ इस तरह से, ठंडी ठंडी हवा लग रही है, मतलब ठंडक महसूस हो रही है, एसी चलाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट मेरी हालत हो गई है कुछ ऐसे, काफ़ी खस्ता, बट लिटरली मुझे नींद भी हद से ज़्यादा आ रही है, बिकॉज 4-5 घंटे आज छत पे रहा था ना मैं, इसलिए बहुत थक गया। फिलहाल क्या कर रही है, फिलहाल इस वाले ब्लॉग की करते हैं यहीं पर समाप्ति, आई होप कि आपको पसंद आया हो, या अगर नहीं आई डोंट नो, बट लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कीजिएगा, आई होप यू विल सी मी द नेक्स्ट डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।